देश जब मौन हो जाता है, हवा में गुनाह का रंग घुल जाता है, इंसाफ की देवी की आंखों में जब पट्टी बन जाए, तब किसी को इंसाफ की आवाज बनकर सामने आना पड़ता है। और इस काम का बीड़ा अब हिमाचल एक्सप्रेस ने उठा लिया है। कोटखाई में छात्रा के साथ हुई बर्बरता को हिमाचल एक्सप्रेस तब तक दिखाता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जिन चैनलों को आगे आना चाहिए था, आखिरकार वो मौन क्यों है। पत्रकारों के दिलों को झंझोर देने वाली ये हमारी खास रिपोर्ट देखें। पहाड़ की बेटी से हैवानियत हुई तो सब खामोश क्यों है। देवभूमि में 10वीं कक्षा की एक मासूम छात्रा की अस्मत लूट ली गई। हवस के वहशी दरिंदों ने उसे दर्दनाक मौत दे दी, लेकिन कहीं कोई आक्रोश नजर नहीं आ रहा। क्या पहाड़ की बेटी दिल्ली की निर्भया से अलग है? अगर नहीं तो निर्भया पर हुई ज्यादतियों पर महीनों भर सीना पीट पीट कर खुद को संवेदनशील साबित करने वाले टीवी चैनल आज खामोश क्यों हैं? ब्रेकिंग खबरों में सबसे तेज होने का दावा करने वाले टीआरपी के भूखे न्यूज चैनल मौन क्यों हैं? खबरों की खोज में चांद तक पहुंचने वाले न्यूज चैनलों के लिए हिमाचल तक पहुँचना क्यों मुश्किल हो गया? अखबारों ने भी दिल दहलाने वाली खबर को दो कॉलम में निपटाने की औपचारिकता कर डाली। यही मामला दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी बड़े शहर का होता तो शायद खबर के लिए पूरा पेज कम पड़ जाता, संपादकीय अलग से लिखते। अफसोस, पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की जंग में कलम की धार कुंद है तो टीवी चैनल के बड़बोले एंकरों के मुंह भी बंद दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में दिल्ली इतनी दूर है कि पहाड़ की बेटी का दर्द वहां बैठे बड़े बड़े समाज सेवी, संवेदनशील लोग और नेता नहीं सुन पा रहे? हवस के भूखे भेड़ियों ने जिस शरीर को नोचते हुए मासूम बच्चे की जान ले ली, मौत के बाद भी हमारे सभ्य समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग छात्रा के उसी नग्न मृत शरीर को व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं। जिस इज्जत को बचाते बचाते मासूम छात्रा ने दर्दनाक मौत को गले लगा लिया, उसकी वो इज्जत मौत के बाद भी नग्न मरे पड़े शरीर के साथ सोशल साइट पर लुक रही है। ये कैसी इंसानियत है? ये कहां का न्याय है? समझ नहीं आता। इतना सब हो रहा है फिर भी सब खामोश है, आखिर क्यों? कहीं से भी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग नहीं उठ रही? समाज सेवी संगठन, समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेन चलाने वाले 21वीं सदी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सेलिब्रिटी सब चुप है। निर्भया के मामले में लगा था कि अत्याचार के खिलाफ देश एक होने लगा है और होना भी चाहिए, लेकिन आज मन में दोहरी पीड़ा आ गई है। क्या पहाड़ की बेटी की चीखें पहाड़ों में दफन होकर रह जाएंगी? अगर हाँ तो यकीनन हम और हमारा समाज असंवेदनशीलता की उस पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं जहां अब ऐसे अपराध भी हमें सामान्य घटनाक्रम लगने लगे हैं। समाज किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर इस लड़की के साथ जो हुआ, उसके बाद भी समाज का एक भी ठेकेदार इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन हम हिमाचल एक्सप्रेस इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर जगह पे नजर आएंगे और आज हम ये वादा करते हैं कि ऐसी किसी भी घटना को न हम छुपाएंगे और न ही लोगों को छुपाने देंगे, बल्कि तब तक हम इसका पीछा करेंगे जब तक ऐसी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुमन शर्मा की रिपोर्ट।